नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में स्वच्छता भारत मिशन के तहत कई आयोजन किए गए। वहीं बात करें हाथरस की, तो यहां हाथरस नगर पालिका की ओर से स्वच्छता रैली का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से प्लास्टिक मुक्त भारत की शुरुआत करने का आह्वान किया था, जिसकी खानापूर्ति करते हुए शहर के कई सामाजिक संगठन, निजी संगठन और व्यक्तिगत रूप से लोग प्लास्टिक के दुष्प्रभाव के प्रति लोगों को जागरूक करते नजर आए। इस अभियान को सार्थक बनाने के लिए कुछ अलग ही रूप में आगे आ रहे हैं। प्लास्टिक मुक्त भारत की अपील भी प्लास्टिक स्टिकर पर छपवाकर की जा रही है। हाथरस नगर पालिका में भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मोत्सव मनाते हुए नगर में अच्छी सफाई करने वाले सफाई कर्मचारियों व सभासदों को उनका उत्साह बढ़ाने के लिए सम्मानित किया गया। राजधानी दिल्ली के आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वृद्ध दिवस पर वृद्ध लोगों के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी, उपाध्यक्ष श्याम जाजू, बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा और बीजेपी नेता आनंद साहू व अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहां वृद्ध लोगों को सम्मानित करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। कार्यक्रम में मौजूद सभी नेता व राजनेताओं ने वृद्ध दिवस पर वृद्ध लोगों को शुभकामनाएं दी। बताया कि हमें अपने घर में माँ बाप की सेवा करनी चाहिए और उनको भगवान का रूप समझकर उनको सम्मान देना चाहिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट को बहुत बधाई है जो हर साल एक नई इनिशिएटिव लेके आते हैं। अब आप सोचिए, सीनियर सिटीजन्स अगर परफॉर्म कर रहे हैं, उनके मन में कितनी खुशी का आलम होगा और इसी बहाने वो उनकी फिटनेस भी दिख रही है। हमारा एक मंत्र भी है, हम फिट तो इंडिया फिट, तो फिटनेस का प्रदर्शन भी हो रहा है। और हर व्यक्ति को सीनियर सिटीजन्स के लिए ऐसा कुछ कार्यक्रम सोचना चाहिए, क्योंकि जो आज युवा है कल वो सीनियर सिटीजन होगा ही होगा। आस्था चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के जो एनेक्सी है, इसमें कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसमें बहुत सारे सैकड़ों जो ऐसे अनोखे काम जिन्होंने किए हैं वृद्धों ने, जिन्होंने अपने जीवन में देश हित में, समाज हित में, परिवार हित में, जन कल्याण के हित में और पर्यावरण हित में और बहुत सारे विषयों पे, चाहे साइंस टेक्नोलॉजी है, चाहे अन्य और कोई क्षेत्र में काम किए हैं, उनको सम्मानित किया जाए। चाहे आर्मी है उसमें कंट्रीब्यूशन किए हैं, चाहे साइंस, बहुत सारे और विषयों में। इसी कड़ी में हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीनियर सिटीजनशिप डे सब मिलाकर बुजुर्ग किसी भी समाज का, किसी भी देश का आन बान शान होती है। जिसने अपने जीवन के अनुभवों से एक लंबी यात्रा की होती है, और इसलिए कहा गया है कितनी भी कठिन समस्या हो, अगर अनुभव से प्राप्त बुजुर्ग है तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान निकाल लेता है। आंधियों में भी चिराग जलते हैं और जिसकी हिफाजत खुदा करे उसे मिटा सकता है कौन। ये लाइन स्वच्छ भारत की फेरी निकाल के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्मदिवस पर मना रहे बच्चों पर सही बैठती है। हाथरस के सासनी ब्लॉक के गांव रामपुर के पूर्व माध्यमिक स्कूल में एक बड़ा हादसा होने से टल गया। यहां विद्युत विभाग की ओर से बड़ी लापरवाही सामने आई। बच्चों द्वारा गांधी जयंती मनाते समय स्कूल के ऊपर से जा रही 11,000 की लाइन का तार टूट गया। हाई टेंशन विद्युत लाइन का तार गिरते ही बच्चों में भगदड़ मच गई। गनीमत रही कि तार बच्चों से कुछ ही दूरी पर गिरा, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। 2 अक्टूबर की 150वीं जयंती हम सब लोग मना रहे थे गांव के अंदर। बच्चे प्रभात फेरी लेके यहां पर कार्यक्रम वगैरह की तैयारी कर रहे थे, और जब माल्यवर्धक कार्यक्रम चल रहा था, ऊपर से 11,000 के तार टूटकर गिर गया। विवादों के नेता आजम खान मीडिया से मुखातिब हुए। यहां उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। जितने भी केस उन पर लगाए गए उनको सोची समझी साजिश बताया। आपको बता दें, आजम खान इन दिनों बड़ी मुश्किल में है, क्योंकि लगातार उन पर जमीन हड़पने और भू माफियाओं के आरोप लग रहे हैं, और सरकार भी लगातार उन पर न्यायिक शिकंजा कसने में लगी है। पहलों से तो हमारी पुरानी लड़ाई है। हम तो झोपड़ी और छप्पर वाले लोग हैं। खबर राजस्थान के मुंगेर से है। यहाँ ग्राम विकास अधिकारी पुनित दीक्षित ने बिना किसी एजेंट और ग्रामीणों को सूचित किए बिना ग्राम सभा करवा दी। इस ग्राम सभा में पंचायत, कार्मिक, ANM की मौजूद थे। ग्रामीणों की उपस्थिति बिल्कुल नगण्य थी।
जब स्थानीय संवाददाता ने एजेंडा रजिस्टर दिखाने को कहा तो सचिव ने आनाकानी की। 5 से 6 बार मांगने पर भी एजेंडा रजिस्टर नहीं दिखाया गया। जब ना तो दिखाने का कारण पूछा गया तो संवाददाता से आईडी कार्ड मांगा गया। राजस्थान के मुंगेर में गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। यह अभियान न्यू एजुकेशन स्कूल नन्हे मुन्ने बच्चों ने चलाया। बच्चों ने अंबिका चौक पंचायत तो मैन रोड पर रैली निकाली। इस अवसर पर चार्ट प्रतियोगिता, स्लोगन प्रतियोगिता भी कराई गई। मुंगेर में ई मित्र का शुभारंभ आम सभा के माध्यम से किया गया। दरअसल यहां शुभारंभ गांधी जयंती के उपलक्ष्य पर किया गया। इस दौरान लैंप्स स्तर पर नए सदस्य बनना, ऋण वितरण, ऑडिट रिपोर्ट की पालना आदि आयोजन किए गए। यूपी के सीतापुर में गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट में गांधी जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी अखिलेश तिवारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री का माल्यार्पण किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में इन महापुरुषों के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्र निर्माण में उनके अतुल्य योगदान को याद किया गया। यूपी के हाथरस जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहां संत निरंकारी मंडल के सैकड़ों स्वयंसेवकों द्वारा एक दिवसीय स्वच्छता अभियान चलाया गया। इसके तहत पूरे स्टेशन पर सफाई की गई। रामपुर तिहाड़ा कांड की 25वीं बरसी के अवसर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह शहीद स्मारक देहरादून पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने आंदोलनकारियों को भावभीन श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान प्रीतम सिंह ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों की शहादत के बाद ही हमें अलग उत्तराखंड राज्य मिला, लेकिन दिल्ली कूच के दौरान राज्य आंदोलनकारियों पर लाठीचार्ज और गोलियां चलाई गई, जिसमें कई राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए, लेकिन 25 साल बाद भी दोषियों पर कार्रवाई नहीं की गई। ये बेहद दुखद है। यूपी के हाथरस जंक्शन पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ स्टेशन अधीक्षक के नेतृत्व में अभियान चलाया गया। इसके तहत पूरे स्टेशन की सफाई की गई। राष्ट्रीय युवा गांधी संघ ने 150वीं गांधी जयंती के अवसर पर हाजीपुर राजेंद्र चौक पर सफाई कर्मियों के सम्मान में स्वच्छता नायक सम्मान आयोजित किया। इस कार्यक्रम में समाज से कूड़ा उठाने वाले सफाई कर्मियों को नायक के तौर पर पुष्पमाला पहनाकर अंग वस्त्र स्वच्छता का सर्टिफिकेट दिया गया। इस मौके पर डॉक्टर कमल के द्वारा स्वास्थ्य जांच की गई और युवा गांधी संघ द्वारा 21 सफाई कर्मियों को 1,00,000 की बीमा पत्र प्रदान किया गया। संगठन के सदस्यों ने कहा कि सफाई कर्मी को सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। पूरे भारत में गांधी जयंती काफी जोरों शोरों पर मनाई जा रही है, लोगों में काफी हर्षोल्लास और ऐसे ही चहलकदमी हाजीपुर में देखी जा रही है, जो कि हाजीपुर के युवा गांधी संगठन ने एक नई कदम उठाई है। और फिर जिस तरीके से दिखा दूं, यहाँ पे स्वच्छ नायक सम्मान समारोह यहाँ पे की जा रही है, जिसके तहत जो भी शहर में जो सफाई कर्मी हैं उन्हें यहाँ पे सफाई कर्मियों को सम्मान दिया जा रहा है। और काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी, मेरा नाम नवनीत कुमार है और आज गांधी जयंती के अवसर पर स्वच्छता नायक सम्मान समारोह के तहत हम लोगों ने जितने भी शहर को साफ करने वाला सफाई कर्मी है उनको सम्मानित करते हुए उनको अंग वस्त्र पुष्पमाला पहनाकर उनको नायक के समान माना है और उनको सही में इस स्वच्छता के नायक मानते हुए उनको स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा के लिए, जीवन की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने मेडिकल कैंप भी लगाया है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे हाजीपुर के जो भी युवा संगठन के लोग हैं, जो कि गांधी संगठन के लोग हैं, वो इस तरह का काम कर रहे हैं। इधर साइड दिखा दूँ आपको, यहाँ पे दवा वितरण का काम भी किया जा रहा है, जो कि जो भी यहाँ पे सफाई कर्मी लोग हैं जो कि पूरे शहर को साफ करते हैं उनके लिए यहाँ पे दवा का वितरण किया जा रहा है। मतलब का सफाई ये जांच हो रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है, इससे जागरूक होना चाहिए हमेशा। अभी ज़्यादातर कॉमन डिजीज जो स्किन डिजीज है और ज़्यादा फैला हुआ है, तो उस तरह का ज़्यादा लोग हैं और वीकनेस वगैरह लोगों का है। देखा आपने राष्ट्रीय युवा संगठन के लोगों के द्वारा यहाँ पे मेडिसिन का भी दिया जा रहा है। कुछ लोगों से बात करते हैं जो कि यहाँ पे उन्हें इस चीज़ का फायदा मिल चुकी है। क्या नाम आपका? प्रमोद राम। क्या कहेंगे, क्या क्या चीज़ मिला आपको यहाँ से और कैसा लग रहा है? सब चीज़ तो ठीक है, सुविधा सब अच्छा है, सब मेडिकल सब हो रहा है, मिला है सब ठीक है। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे राष्ट्रीय युवा संगठन के द्वारा एक काफ़ी दिलचस्प काम की जा रही है, जो कि पूरे इंडिया में एक ये मिसाल है। और फिर जो भी संगठन है उनको ऐसी कामों को जरूर करनी चाहिए। कैमरा पर्सन दिनेश राज के साथ प्रकाश, नवतेज टीवी, हाजीपुर। यूपी के एटा में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान एक पक्ष ने जोरदार फायरिंग कर दी।
फायरिंग के दौरान एक बालिका कुमकुम सहित दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा बताया जा रहा है। लड़की पक्ष का आरोप है कि लड़का लड़की को भगा ले गया, जिसके चलते दोनों पक्षों में आपस में खूनी संघर्ष हो गया। फिलहाल पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। यूपी के रामपुर से सपा के कद्दावर नेता आजम खान ने रामपुर पुलिस पर अपमानित और जलील करने का आरोप लगाया है। साथ ही आजम खान ने कहा कि उपचुनाव में हराने के लिए हमें टॉर्चर किया जा रहा है। वही मामले पर सीओ ने कहा कि आजम खान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसमें डिटेल्स मांगी गई थी, ट्रस्ट के पेपर्स, रजिस्ट्रियां और चेक्स, ड्राफ्ट कहां से चल रहा आया, कितना आया, जबकि इन चीजों से पौने चार बीघा जमीन का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, लेकिन सिर्फ हमें अपमानित करने के लिए, देश भर में हमें चोर बेईमान साबित करने के लिए, हमारी छवि खराब करने के लिए, लोकसभा के जीते हुए चुनाव की सजा देने के लिए, विधानसभा का चुनाव हराने के लिए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा सेंट्रल पार्क म्यूजिकल फाउंडेशन का लोकार्पण किया गया। यह म्यूजिकल फाउंडेशन जयपुर JDA के द्वारा तैयार किया गया है। इस लोकार्पण समारोह में UTH मंत्री शांति धारीवाल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और मुख्य सचिव DB गुप्ता भी मौजूद रहे। खबर रेवाड़ी से है, जहां जिला कार्यालय में JJP के कोसली हलका प्रधान और पूर्व जिला पार्षद किरण यादव समेत सैकड़ों युवाओं को पटका पहनाकर इनेलो पार्टी में शामिल किया गया। इस मौके पर किरण पाल यादव ने कहा कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं इस मौके पर जिला प्रधान राजपाल यादव ने BJP की नीतियों पर जमकर हमला बोला। इनेलो पार्टी के सदस्यता ग्रहण करते हुए किरण पाल यादव ने पत्रकारों को कहा कि दुष्यंत चौटाला ने उनके साथ ही नहीं प्रदेश के हजारों युवाओं को बरगलाने का काम किया है। एक हफ्ते पहले किसी भी टिकट डिक्लेयर नहीं थी, उसी दिन माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा था, और हमारी एक रैली भी थी 25 तारीख को, जो देवीलाल जी की जयंती जो हम हर साल मनाते हैं, उस दिन भी ये फैसला लिया गया था कि इंडियन नेशनल लोकदल 2 तारीख को गांधी जयंती के अवसर पर टिकट लेकर करेंगे। निश्चित रूप से आज हमारे टिकटों का वितरण होगा और हमारे पास ऐसे कोई स्थिति नहीं कि हम किसी बाहरी उम्मीदवारों का इंतजार करें। पार्टी सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला जी से कोई बात नहीं हुई, ना कोई टिकट के लिए मैं आया हूँ, मैं सिर्फ मान सम्मान की लड़ाई थी, उसके लिए मैं आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में आया हूँ। मेरे को आज से 14 सितंबर को प्रोग्राम दिया, दुष्यंत चौटाला जी ने मुझे प्रोग्राम दिया, उन्होंने मुझे कहा कि आपको कोसड़ी से इलेक्शन लड़ना है। वो जहाँ था मेरा का फार्म के लिए, नॉमिनेशन के लिए उन्होंने बोला, तो जो भी फॉर्मेलिटीज थी मैंने वो पूरी की, उन्होंने मुझे झांसे में रखा और मैंने उनसे अगर आपको मेरे को इलेक्शन नहीं लड़ाना तो आप मुझे स्पष्ट कर दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बुधवार सुबह डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की आवास पर गरीब व असहाय लोगों का जमावड़ा लगा। गांधी जयंती के अवसर पर मीणा ने सभी गरीब भिखारियों को भोजन कराया। इन गरीब व असहाय लोगों के लिए साल 2012 में एक एक्ट पास किया गया था, जिसमें इनको रोटी कपड़ा मकान को लेकर चर्चा थी। किरोड़ी ने यह बताते हुए कहा कि एक्ट पारित करने के बाद सरकार ने इसके नियम अभी तक नहीं बनाए। जिसके नियम अभी तक नहीं बनाए और उसकी पालना नहीं हो रही, इनको मकान देंगे, रोटी देंगे, रोजी देंगे, कपड़ा देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं देंगे, कुछ नहीं मिल रहा, तो इनको आज हम खाना दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, उसके बाद गांधी जी की मूर्ति पर ले जाएंगे, वहाँ ज्ञापन देंगे। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम दिन था। दोपहर 1 बजे यहाँ विभिन्न पदों के लिए नामांकन भरे गए। SMS स्टेडियम में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच रामेश्वर डूडी ने नामांकन दाखिल किया। रामेश्वर डूडी ग्रुप की ओर से अध्यक्ष पद के लिए डूडी और राम प्रकाश चौधरी ने नामांकन भरते हुए CM अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को सीधी चुनौती दी। नामांकन भरने के बाद डूडी ने कहा कि हमारे ग्रुप के लोगों को नामांकन भरने से रोका गया और दबाव भी बनाया गया। डूडी गुट की ओर से सचिव पद पर सोमेंद्र तिवारी, ब्रज किशोर और उपाध्यक्ष पद के लिए RS नांदू और विनोद सहारन ने नामांकन भरा। वहीं कोषाध्यक्ष पर अनंत व्यास और ब्रज किशोर उपाध्याय ने नामांकन दाखिल किया। संयुक्त सचिव पद पर पिंकेश जैन, अनंत व्यास और ब्रज किशोर उपाध्याय ने नामांकन दाखिल किया। राजस्थान की आम जो यूथ, राजस्थान का आम जो जवान, वो आज इस लड़ाई के साथ, हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमें न्याय चाहिए,
हम न्याय के तहत लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई जब तक हमारी जारी रहेगी जब तक आरसीए के ताले नहीं खुलेंगे और आरसीए जो है उन ऊंचाइयों पे ही तब तक नहीं जाए तब तक जो है हम संघर्ष करते रहेंगे उन ऊंचाइयों पर पहुँचाने का काम। फॉरम भरने नहीं दिए जा रहे, फॉरम भरने वालों को वहाँ जो है रोक लिया जाता है, उन पर लाठियाँ बरसाई जाती है, पुलिस बल जिस तरीके से प्रयोग कर रहे हैं ये तानाशाही रवैया है, ये लोकतंत्र और प्रजातंत्र की कम्प्लीटली हत्या करने का जो काम कर रहे हैं, ये प्रदेश की जनता कभी जो है माफ नहीं करेगी और कभी इस बात को सहन नहीं करेगी। रात को 2:30 बजे लिस्ट जारी कर और पूरे 22 होकर किसको उड़ाना है, रामेश्वर टूटी का जिला नागौर उसको डिसिप्लेटेड कर दिया क्योंकि हमारे जो जिला संघ थे उनको ये डर लग रहा था और उनको हारने का पूरा डर था और उसी तय आरसीए चुनावी माहौल के बीच आज रामेश्वर डूडी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। कुछ जिस हिसाब से रामेश्वर डूडी आज यहाँ पर नामांकन दाखिल करने पहुँचे आरसीए के लिए उस जगह पर उनका भारी जाप्ता उनके साथ आया। जी हाँ, तो और बता दें आपको कि फिलहाल में वहाँ पर पुलिस बल भी बहुत बड़ी संख्या में तैनात है। इस नामांकन दाखिल करने के लिए रामेश्वर डूडी अपने समर्थकों के साथ आरसीए के लिए पहुँचे। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ प्रिंस टीवी आ रहा है। किरोड़ी लाल मीडिया के निवास पर आज सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी पहुंचे और धरना प्रदर्शन किया। धरने का मुख्य उद्देश्य आरपीएससी एग्जाम 2018 मैक्स की तिथि को 90 दिन आगे बढ़ाना था। इस धरने पर हमें चाहिए न्याय जैसे नारे भी लगाए गए। विद्यार्थियों का कहना है कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से उत्तीर्ण मुख्य परीक्षा में शामिल हो रहे एसटी और ओबीसी अभ्यर्थियों को तैयारी का समान अवसर मिले। जनरल से कट ऑफ ज़्यादा चली गई थी एसटी और ओबीसी की, उसके लिए हमने प्रदर्शन किया था और कोर्ट में गए थे। कोर्ट ने हमें डिसीजन दिया है कि जो बच्चों का जो फेल हुए हैं और जो कट ऑफ जिनकी जनरल से भी ज़्यादा है वो बच्चे पास हुए। 8 दिन हुए हैं अभी, केवल आज से बच्चे कल परसों पास हुए हैं, केवल 8 दिन हमें बचे हैं, 8 दिन केवल दिए हैं हमें एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने के लिए। 2013 के बाद ये वैकेंसी 2018 में आई, सभी लोगों के लिए एक अच्छा मौका था। देखा जाए तो आरपीएससी ने कट ऑफ गलत निकाल करके पहली गड़बड़ी की। कट ऑफ जनरल की 102.78 और ओबीसी और एसटी की कट ऑफ 102 से कहीं ज़्यादा आई और अभी कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह कट ऑफ कम की गई है, जिसके बाद कल कुछ लोगों को इस एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए दिया गया। लेकिन यदि देखा जाए, अगर आप 1 तारीख को रिजल्ट दें और 9 तारीख को आप एग्ज़ाम कराएंगे तो बच्चे प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि उन बच्चों को भी मौका मिले बराबरी का, क्योंकि 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, इसके बाद अगर हम एक और 5 साल दें तो 10 साल तक कोई बिना वैकेंसी के रहे तो ऐसा नहीं चाहते हैं, इसीलिए हम चाहेंगे कि आरपीएससी इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करे। और मंगलवार शाम सेंट विल्फ्रेड कॉलेज मान सरोवर की तरफ से 9 मंजरी फ्रेशर पार्टी का आयोजन किया गया। इस फ्रेशर पार्टी में सीनियर्स ने जूनियर्स का परंपरागत तरीके से स्वागत किया। यह समारोह रविंद्र मंच ओपन थिएटर में किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आईपीएस ऑफिसर विकास कुमार ने शिरकत की। इस दौरान सेंट विल्फ्रेड एजुकेशन सोसाइटी के सचिव डॉक्टर केशव बडाया मौजूद रहे। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई, साथ ही नाटक कर विद्यार्थियों ने पार्टी में तड़का भी लगाया। आज सेंट विल्फ्रेड पीजी कॉलेज ने विशेष डे यहाँ रविंद्र मंच पर आयोजित किया है और इसमें करीब 650 फ्रेशर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें हमने भारत के कल्चर को अलग अलग एराज का कल्चर को हमने यहाँ पे प्रदर्शित करने का एक प्रयास किया है, जिसमें हम अगर बात देखते हैं कि अगर हमारा फ्रेशर्स राउंड भी है हमने भारत के कल्चर को ही ध्यान में रखते हुए उस पकड़ी थीम का सृजन किया है। इसमें भारत के बहुत पुराने रियासत काल से लेके चंद्रगुप्त मौर्य से लेके आगे तक के जितनी भी जनरेशन में अलग अलग जो भी शख्सियत भारत में हुई है, राजनीतिक दौर में जो भी चेंजेस आए हैं, उन सबको पोर्ट्रेट करने की कोशिश किया है। यूपी के बदायूं में दातांगंज में परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। दरअसल पीड़ित परिवार प्रसूता को अस्पताल लेकर पहुंचा था, जहां प्रसूता की जबरन डिलीवरी कराई गई, वहीं प्रसूता को परेशान करने की कोशिश की। इस दौरान नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। इससे पहले भी अस्पताल में इसी तरह की घटना सामने आ चुकी है, वहीं डॉक्टर ऐसी किसी भी घटना से इनकार कर रहे हैं। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर युवक के पास से 950 ग्राम डोडा चूर और एक टाटा मैजिक गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। खबरों में फिलहाल इतना ही,
देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे नवतेज टीवी।